Hi guys, welcome and welcome back to our channel. I'm Sanjana and for today हम जो आज लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है भाई दूज का लुक. तो लुक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल एक बहन के जैसा ही रहेगा क्योंकि मेरे भाई को तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है और वो मुझे बोलते हैं जब भी तू मेकअप लगाती है ना तू चुड़ैल लगती है. तो आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट चुड़ैल. हम बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारा इस छोटे से फेस्टिवल का लुक क्रिएट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. पहले हम अपना स्किन प्रेप करते हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट हम अपना फेस जो है किसी भी फेशियल मिस्ट या फिर रोज वाटर से एकदम सूद कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यू नो थके हुए हैं. हमारी स्किन हमेशा फ्रेश दिखनी चाहिए तो मैं काफ़ी सारा रोज वाटर यूज करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी स्किन बहुत अच्छे से मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाए. मैं इधर इसलिए देख रही हूँ बिकॉज दिस इज माय मिरर आल्सो. ओके सो उसके बाद हम अपना शो स्टॉपर हमारा जेस्टिक कॉस्मेटिक का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करने वाले हैं अपने फेस पे टू मॉइस्चराइज आवर फेस वेरी वेल बिकॉज अगर हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा ना इतना मेकअप करने का. मतलब आपका मेकअप बहुत फ्लेकी लगेगा और जगह जगह पे आपका फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है बिकॉज वो मेकअप डायरेक्टली सीप कर जाएगा आपके फेस के अंदर. तो हम अवॉइड करेंगे और हम अपनी स्किन को पहले बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेंगे इस हाइड्रेटिंग जेल के साथ. नेक को बिल्कुल नहीं भूलेंगे. नेक विजिबल तो रहती ही है ना. तो हम जब भी नेक पे अगर हम फेस पे फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम सीसी क्रीम कुछ भी लगाएं तो नेक पे भी डे टाइम में जब भी फेस्टिवल होता है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम अच्छी लेयर सनस्क्रीन की लगाएं. ठीक है तो हम इसके बाद सनस्क्रीन लगाएंगे. मैंने सनस्क्रीन पुट ऑन कर ली है. लेट्स स्टार्ट विद द बेस बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फेस क्लीन दिखे. सो आई एम गोना यूज़ माई फाउंडेशन. आपको पता है एक छोटी सी टिप देती हूँ. अगर ना आपका फाउंडेशन आपका कंसीलर ना आपके पास हो ठीक है तो आप अपने फाउंडेशन को ही जहाँ पे आपके डार्कर स्पॉट्स हैं वहाँ पे डबल लेयर करके लगाओगे तो एज अ कंसीलर भी वर्क करेगा. बट ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइटर वे में लगाना कि वो बहुत पैची भी ना दिखे बाद में. तो मैं हमेशा डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अपना फाउंडेशन लगाती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेरी सटल वरना मेरे भाई ने सच में मुझे चुड़ैल बुलाना है और आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट चुड़ैल. सो हम बहुत ही सटल सा फेस रखेंगे. ओके सो दिस इज डन. अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसे अच्छे से किसी भी सेटिंग स्प्रे के साथ और रोज वाटर के साथ जो है वेट कर लूँगी. हमने वेट इन द सेंस डैम्प ही करना है, बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं करना है कि वो पूरा पानी ही निचुड़ता जाए. आप इससे अभी हम अपना ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा फेस जो है सेटअप कर लेंगे जो भी फाउंडेशन हमने पुट ऑन किया है. मेक श्योर कि डैम्प हो, बहुत ज़्यादा वेट ना हो वरना ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से फेस पे मर्ज नहीं करवाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और नाम लगाती है क्यों है मेकअप है ना, क्लियरिंग अच्छे से होनी चाहिए. लेट मी जस्ट ग्रैब माई मिरर, इट विल बी ईजी. अभी आई एम गोना पुट माई कंसीलर अंडर द आई जो मुझसे लग नहीं रहा बिल्कुल लाइट सा. इसी को हम मर्ज करेंगे अच्छे से. मैं अपर आईलिड पे भी कंसीलर यूज़ करती हूँ. उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी ये आईलिड के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं ना वो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद आप अगर अपना कोई भी कलर का शेडो लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर में दिखता है कि कौन सा कलर है, बहुत अच्छा लगता है. तो हमेशा ट्राई करिए कि आप अपने आईलिड पे भी अपने कंसीलर को मर्ज करिए.
सी पूरा डार्कनेस जो है आएगा, जा चुका है अपर लिड से, अब हम जब अपना शेडो लगाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। Now we are gonna take our setting powder and हम अपने पूरे फेस को सेटअप कर लेंगे। जो भी हमने फेस पे फाउंडेशन लगाया है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही इसको करेंगे। And I'm gonna set first my under eyes, क्योंकि यहाँ पे क्रीजेस पड़ जाते हैं। अपने अंडर आईज़ को सेट करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है, आप ऐसे पकड़ो अपने आईज़ को नीचे से एंड देन सेट योर अंडर आई। और जब आप ऐसे सेट करोगे ना तो वो जो क्रीजेस है ना बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे, इट विल बी ऑल वैनिश्ड अवे। तो ऐसे सिंपली कर रहे हो तो फिर अंदर की तरफ ऐसे पुश करके करो, वरना डू दिस, इससे बहुत अच्छी फिनिश आती है। एंड दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी देखा था, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। डू दैट। डन। अब हम बेस पे लेंगे थोड़ा सा पाउडर बहुत अच्छे से, उसके बाद हम सारे फेस को सेट कर देंगे। इट इज़ आवर ओन पर्सनल चॉइस, आप पूरा फेस सेट करना चाहते हो या नहीं। आप खाली अपने उन स्पॉट्स को भी सेट कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा फेस इज़ लाइक, मेरे को तो पूरे टाइम स्वेटिंग होती है, तो आई सेट माई होल फेस। अच्छा एक बात, अगर आपने अपना फेस सेट कर लिया है विद द पाउडर तो उसके बाद आप सिर्फ पाउडर ब्लश लगा सकते हो, आप उसके बाद क्रीम ब्लश नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नो नो। क्योंकि अगर आप क्रीम ब्लश लगाओगे तो फिर उस एरिया से आपका जो है पैचेस बन जाएगा, एंड आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। सो इट्स डन, सी पूरा फेस बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हम अब चलेंगे सबसे पहले अपने बेस्ट पार्ट, इज टू डू आवर आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं आज पिंक लुक रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो येलो कुर्ती पहनी है विच इज़ वेरी प्रिटी, तो येलो कुर्ती के साथ जो आई मेकअप है वो मैं पिंक इसलिए रखूँगी बिकॉज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सटल भी लगता है। तो मैं सबसे पहले कोई भी पिंक कलर का शेडो लूँगी एंड मैं उसको अपनी फिंगर से ही अपने पूरे आईलिड पे डैब डैब करके लगा लूंगी। बहुत अच्छे से हम इसको सारी आईलिड पे मर्ज कर देंगे। सी कितना एलिगेंट लग रहा है। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि भाई दूज छोटा सा फेस्टिवल है, इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उतना ही रेडी हो जितने आपके भाई को पसंद है। तो मेरे भाई को तो बहुत सटल चीज़ें पसंद हैं, तो मैं इसी वजह से उससे पैसे भी लेना चाहती हूँ, उसको भाई दूज पे गिफ्ट भी दूंगी, आशीर्वाद भी दूंगी और अपना पॉकेट मनी भी लूंगी। तो अपना पॉकेट मनी लेना है तो उसकी, उससे अगर मैं ये सुन लूँगी कि तू तो चुड़ैल लग रही है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आई नीड टू बी लाइक द वे ही वुड अप्रिशिएट मी, ना कि मेरी बेइज्जती करे। सो आफ्टर डूइंग दिस मैं बहुत ही सटल सी शिमर है मेरे पास इन माई पैलेट पिंक कलर की ही, दिस वन,
तो मैं ये शिमर लूंगी हल्की सी अपने फिंगर टिप पे ही, क्योंकि शिमर कभी भी ब्रश से इतनी अच्छी लगती नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट ब्रश जिसके साथ लग जाती है। तो आई एम गोना पुट लाइट सी शिमर इन द सेंटर ऑफ माई लिड, बस नॉट मच, जस्ट दिस मच, इतना ही रखेंगे हम। और सेम गोज टू माई अदर आई लिड। वाओ इट लुक्स सो सो प्रिटी। ओके इट्स ऑल डन। हम जल्दी से अब अपना ब्राउज फिल कर लेते हैं और फटाफट से आई लुक हमारा फिनिश करते हैं। सो आई हैव इसी ब्राउ किट में ही मेरे पास छोटा सा ब्रश है विच इज़ एंगुलर ब्रश, और मैं इसके अंदर छोटी सी जेली है, जेली का पार्ट है, जेली का पार्ट प्लस ब्राउन शेडो एंड ब्लैक शेडो, शेडो मतलब ब्राउ पाउडर व्हाट्सो एवर, उसे मिक्स करके अपना ब्राउज फिल कर दूंगी। हाउ प्रिटी इट लुक्स। अभी ये फिल नहीं हुआ है, लेट मी जस्ट डू इट वेरी सून। नाउ आई एम गोना पुट माई मस्कारा। ओह माय डॉग गुंडा बेचा। सो माई आईज पार्ट आर डन, लुक एट इट, इट लुक्स सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल। अब जल्दी से हम फटाफट से ब्लश लगाते हैं। वेयर इज माई ब्लश ब्रश, ब्लश ब्रश। ओके सो हम अपना पाउडर्ड ब्लश लेंगे, उसको डाब डाब कर लेंगे एंड देन उसको अपर एंगल में डाब डाब करके पुट ऑन कर लेंगे कि वो बहुत ही अच्छा लुक दे, कुछ एक्स्ट्रा ना फील हो। फाइन। टिप है, अगर बाय चांस आपको कहीं पे कुछ ज़्यादा लगे, वापस से अपना ब्यूटी ब्लेंडर लो, जस्ट डाब इट प्रॉपरली एंड लुक एट इट, इट्स ऑल गॉन। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा ब्लश लग गया था ना, इट्स ऑल गॉन। अभी मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से अपना ब्लश जो है अच्छे से सेटल कर दूंगी। सेम गोज ओवर हियर। It's all done. My blush is all done. Now I just need to do is just do my lips. So सबसे पहले I'm gonna put any of the lip tint. मैं base भी हमेशा lip tint prefer करती हूँ। उसके पीछे reason ये है कि हम मेरे को तो lip color खाने की बड़ी आदत है, मैं खा जाती हूँ सारा का सारा खाने के साथ साथ। तो मैं lip tint लगाती हूँ कि अगर मेरा lip color उतर भी जाए तो lip tint तो रहेगा ही रहेगा ना, तो वो तो मेरे लिप्स को एक प्यारा सा शेड देता ही रहेगा। सो मैं बहुत ही लाइट सा लिप टिंट लगाऊंगी। उसको अच्छे से मर्ज कर दूंगी। सो ये काफ़ी डार्क लग रहा है आपको, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल डार्क नहीं है। दिस विल बी गोइंग टू फेड अवे। हम थोड़ा डार्क डार्क कर लेते हैं और इसको लाइट कर देते हैं, और आइदर वी कैन डू इज टेक एनी ऑफ द स्पॉन्ज जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं जस्ट टू क्लीन अप आर एक्स्ट्रा थिंग्स। तो हम गा जस्ट डैब इट विद इट, और आप देखो कितना लाइट हो गया है। आफ्टर डूइंग दिस अब मैं अपना लिप कलर जो भी मैं पुट ऑन करना चाहती हूँ वो पुट करूँगी, और ये लिप टिंट लिप कलर भी बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। या सो माय मेकअप इज डन, और जल्दी से अब हम
अपने पूरे फेस को अच्छा सा बनाने के लिए एक बिंदी लगा लेते हैं छोटी सी। इनोसेंट भी तो दिखना है ना, यूँ तो मैं बहुत तेज हूँ, मतलब सभी लड़कियाँ होती हैं, मैं भी उनमें से हूँ। और हम एक प्यारी सी बिंदी लगा के, तो मैं अपने बालों को ना पीछे की ओर ऐसे टक कर लूँगी पहले, ताकि वो इधर उधर हिले डुले नहीं। और आगे से पहले मैं फ्रिंज निकाल लूँगी जो मुझे लगे कि मेरे पे अच्छा लग रहा है इतना सा, राइट। और सेम गोज ओवर हियर। दैट्स इट। अब मैं पिंस लूँगी। वेयर द हेल इज माय पिंस? पिंस लेके मैंने बस इतना करना है कि मैं बॉबिन से अपने पीछे के बाल ऐसे टक कर लूँगी। I'm gonna tuck it very well कि बाद में खुल ना जाए। So yeah, it's done। ये अब open हो जाए तो कोई issue नहीं है, हमें बस hair accessory लगाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। अब मेरे पास ये anklet है, बहुत ही प्यारा सा, this one। So I'm gonna use this anklet। पहले तो सारे के सारे टॉर्टोइज मैं एक डायरेक्शन में टर्न कर दूं कि ऊपर नीचे ना रह जाए कोई टॉर्टोइज। सो आई एम गोना पुट इट ओवर हियर, ठीक है। आई एम गोना यूज अ हेयर पिन। अभी मैं ओपन करने वाली हूँ ना पीछे के बाल, जिस आई वांटेड टू टक फॉर द टाइमिंग। और मैं अपना हेयर पिन के साथ इसको अच्छे से टाई कर दूंगी, लॉक कर देंगे हम अच्छे से कि वो हिले नहीं। ओके, सो इट्स डन। सेम गोज ओवर हियर। इस साइड पे भी हम यही करने वाले हैं, लॉक कर देंगे उसको अच्छे से। इसकी चेन है तो इस तरफ से लॉक करना थोड़ा इजी है। सो ऐसा करने के बाद हम पीछे के बाल अब ओपन कर देंगे, बिकॉज हमें वो फ्रंट पे ही चाहिए। और अब हम जैसे भी आपका दिल करे, मुझे पार्टीशन करने का एज सच मन नहीं है, बट मैं अपने जो आगे के बाल हैं ये हाइड करना चाहती हूँ, आगे का जो वो मैंने पिंस लगाई हैं वो मैं हाइड करना चाहती हूँ। तो आई एम गोना गेट डाउन माई हेयर स्लोली इन फ्रंट, और ये अब एक हेयर बैंड की तरह लुक देगा जो मैंने ये किया है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा फ्रिंजेस हैं जो टाई करने की ज़रूरत है, तो आप हेयर पिन के साथ उनको टाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक हेयर पिन लेके इसको हाइड कर दूंगी, एंड इट्स डन। जस्ट वन मोर। या सो माय हेयर डू इज डन। अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट माय इयररिंग्स, दिस प्रीटी ब्यूटिफुल इयररिंग्स। Let's go. मुझे तो मेरे कान का होल ही नहीं मिलता, मिल गया। So yeah, it's done. Okay. So last accessory is my rings, which is very pretty, very beautiful. So these are the rings I'm wearing.
जो मेरे लुक के साथ टोटली मैच करता है। आपको कैसा लगा ये सिंपल येट एलिगेंट भैया दूज का लुक, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको मेरा ये हैक कैसा लगा कि आप अपनी कोई भी चीज़ को उठा के, मेरे जो बाल है ना ऊपर से कटे हुए थे तो जिसके कारण अभी मतलब थोड़ा सा मेसी लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल, बट एक्चुअली इफ़ समवन हैव वेरी लॉन्ग हेयर एंड डू नॉट हैव एनी फ्रिंजेस तो उनके लिए ये हेयर लुक बहुत अच्छा लगेगा। या आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये छोटा सा हैक तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड कैसा लगा ये लुक वो भी बताइएगा। ओके सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, एंड डू ट्राई दिस लुक एंड टैग अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल। बाय बाय।